हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में पांच हजार पांच सौ प्रत्याशियों ने नामांकन भरा तो वहीं हरियाणा में एक हजार आठ सौ छियालीस कैंडिडेट मैदान में हैं। ये नामांकन सात अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे तो 21 अक्टूबर को चुनाव है नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज नामांकन को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और 7 अक्टूबर तक जिन उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन भरा गया है वो अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं